दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे पैरासाइट्स की जो कि लोगों के शरीर के अंदर घुसकर इंसानों के बीच रहने लगे और अब वो सारे इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सारे पैरासाइट्स इंसानों की बॉडी में छुपकर रहने लगे। वो इंसानों की बॉडी में छुपकर रह रहे थे, मगर इसी दौरान एक लड़के शिंची के हाथ में एक पैरासाइट आ गया। मगर शिंची और उस पैरासाइट मिगी में काफी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर पैरासाइट्स की वजह से ही शिंची को अपनी मॉम को मारना पड़ा। इसीलिए शिंची ने डिसाइड किया कि वो सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें मार देगा। वहीं पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर खाना था। पैरासाइट्स इंसानों को मारकर खा रहे थे, जिससे शहर में कई सारे लोग मरे हुए मिले थे। फिर पुलिस ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि इन सारी मौतों के पीछे पैरासाइट्स का हाथ है, जो कि अब इंसानों के बीच छुपकर रह रहे हैं। इसीलिए अब इंसानों को बचाने और पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन रखा गया। अब इसके बाद हम उन्हीं दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि पैरासाइट्स के केस पर काम कर रहे थे। वो दोनों एक आदमी उरागामी को पकड़कर अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां इस आदमी के सामने कई सारे लोगों को लाया जाता है। वो लोग इससे पूछते हैं कि बताओ वो पैरासाइट है या इंसान। उरागामी वैसे तो एक सीरियल किलर था, लेकिन उसके पास एक खास एबिलिटी थी जिससे वो पता लगा सकता था कि कोई इंसान पैरासाइट है या फिर नॉर्मल इंसान। अब उसके सामने जिसे भी लाया जाता है उनमें से कोई भी पैरासाइट नहीं निकलता। तभी उसके सामने शिंची आता है। उरागामी एक पल के लिए शिंची में कुछ खास देखता है, लेकिन फिर उरागामी ये पता नहीं लगा पाता कि शिंची पैरासाइट है या फिर कोई नॉर्मल इंसान। इसीलिए वो शिंची को एक नॉर्मल इंसान बता देता है। शिंची को अब यहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन शिंची अब भी अपने मिशन पर था। वो पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। अब यहाँ से जाते समय उसे एक पैरासाइट मिलता है जो कि किसी इंसान को मारकर खा रहा था। शिंची अपने दोस्त मिगी की मदद से उस पैरासाइट से फाइट करता है और उसके हार्ट को जख्मी करके उसे मार देता है। तभी शिंची को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिंची बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वहीं एक आदमी छुपा हुआ था जिसके पास एक कैमरा था और वो शिंची की जासूसी कर रहा था। अब रात में शिंची मिगी के साथ मिलकर खाना बना रहा था। इसी दौरान वो मिगी से बात करता है और कहता है कि मैं इन सभी पैरासाइट के बॉस को मारना चाहता हूँ, और इन सभी पैरासाइट्स का बॉस इस शहर का मेयर होता है, जो कि खुद भी एक पैरासाइट है। उसने कई सारे पैरासाइट्स को सिटी हॉल में छुपा कर रखा होता है। मेयर ने कई सारे पैरासाइट्स को सिटी हॉल में रख रखा था, और यहीं तामिया भी इनके साथ थी, और तामिया ने एक ह्यूमन बेबी को जन्म दे दिया था। तामिया अब भी खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यहाँ तामिया ही सारे पैरासाइट्स की लीडर थी, और मेयर आकर उससे कहता है कि हमें शिंची और मिगी को मारना होगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर हमारे पैरासाइट साथियों को मार रहे हैं। लेकिन तामिया शिंची को मारने से रोक देती है और कहती है कि शिंची और मिगी काफी खास हैं। वो दोनों इंसानों और पैरासाइट्स के बीच आपस में मिलकर रहने की हमारी सबसे बड़ी होप है। यहाँ तामिया इंसानों की साइड ले रही थी, और वो इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक माँ बनने के बाद तामिया के अंदर भी ह्यूमन इमोशंस डेवलप हो रहे थे। लेकिन मेयर को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब इसके बाद हम एक पैरासाइट को देखते हैं जो कि काफी ताकतवर होता है। वो एक ऑफिस में जाकर वहां सभी लोगों को मार देता है। थोड़ी देर बाद जब ये खबर मेयर को पता चलती है, तो वो अपने सबसे ताकतवर पैरासाइट यानी कि गोटो के पास जाता है, जो कि पियानो बजा रहा था। मेयर उससे पूछता है कि वहां लोगों को तुमने मारा है, लेकिन गोटो मना करता है और कहता है कि वो काम मिकी ने किया है। यहाँ गोटो के अंदर एक नहीं बल्कि 5-5 पैरासाइट रहते हैं, और उन्हीं में से एक पैरासाइट का नाम मिकी है। अब एक बॉडी में 5 पैरासाइट होने की वजह से गोटो यहाँ सबसे खतरनाक पैरासाइट होता है। और अब मेयर गोटो से शिंची और मिगी को मारने के लिए कहता है। वहीं तामिया शिंची और मिगी को ऑब्जर्व कर रही थी, और तामिया ने ही उस आदमी कुरामोरी को शिंची के पीछे लगा रखा था। कुरामोरी ने शिंची और मिगी की कई सारी फोटोज ले ली थी, और वो उन दोनों को खतरनाक समझ रहा था। इसीलिए वो तामिया से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन तामिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। कुरामोरी तामिया के साथ ज्यादा ही पर्सनल होने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो उससे प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि तामिया सारे पैरासाइट की लीडर है। अब कुरामोरी रात में अपने घर आता है। वो इस घर में अपनी एक लौती बेटी के साथ रहता है, और उसकी वाइफ की कई साल पहले डेथ हो गई थी। कुरामोरी अपनी बेटी से कहता है कि क्या तुम्हें नई मॉम चाहिए, लेकिन उसकी बेटी कहती है, डैड मजाक मत करो, अपनी शक्ल देखकर बात करा करो, इस उम्र में आपसे कौन शादी करेगा। कुरामोरी अपनी बेटी की बात का बुरा नहीं मानता, वो काफी खुश था। वहीं दूसरी तरफ सातोमी को दिखाया जाता है, जो कि शिंची की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो शिंची से नाराज थी, क्योंकि शिंची ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो पैरासाइट से जुड़ा है और उनके बारे में सब जानता है। सातोमी उससे नाराज होकर चली जाती है। यहीं अब शिंची को पता चल जाता है कि कुरामोरी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए शिंची मिगी की मदद से कुरामोरी को पकड़ लेता है। फिर शिंची को उससे पता चलता है कि तामिया ने उसे उसके पीछे लगाया है। मिगी और शिंची उसे बताते हैं कि तामिया खुद भी एक पैरासाइट है, बल्कि वो तो सबसे चालाक पैरासाइट्स में से एक है। कुरामोरी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, इसीलिए अब शिंची तामिया से मिलता है।
तामिया शिंची से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि मेरे कलीग्स तुम्हें मारना चाहते हैं। तामिया कहती है कि वो लोग अब भी इंसानों को ही मारकर खा रहे हैं। वो शिंची से कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उन्हें इंसानों की तरह रहना और इंसानों जैसा खाना खाना सिखा दूंगी। लेकिन शिंची कहता है कि अगर उन्होंने इंसानों को मारा तो मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसे ही उन्हें जाने दूं? अब तामिया से बात करने के बाद शिंची वापस कुरामोरी के पास आता है और उसने तामिया की बातें रिकॉर्ड कर ली थी और सबूत के तौर पर वो कुरामोरी को वो रिकॉर्डिंग देता है। मिकी कुरामोरी को बताता है कि वही सारे पैरासाइट की लीडर है और इस एरिया में मेयर के साथ साथ कई सारे पैरासाइट रहते हैं। शिंची उसकी भलाई के लिए उससे कहता है कि तुम इस सबसे दूर रहो, लेकिन कुरामोरी तामिया से प्यार करने लगा था और अब ये सब जानकर उसका दिल ही टूट जाता है। इसीलिए वो सारे पैरासाइट्स का पर्दाफाश करने के लिए मेयर से मिलने जाता है, लेकिन वहां से जाते हुए कुरामोरी वहां एक बग प्लांट कर देता है, मगर मेयर का साथी पैरासाइट इसका पता लगा लेता है। फिर मेयर उससे कहता है कि अपने पैरासाइट्स को भेजकर इसे मरवा दो। अब इसके बाद कुछ पैरासाइट्स कुरामोरी के घर उसे मारने जाते हैं, लेकिन कुरामोरी वहां नहीं था, इसीलिए वो पैरासाइट कुरामोरी की एक लौती बेटी को ही मार देते हैं। कुरामोरी जब ये सब देखता है तो उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिंची कहीं जा रहा था, तभी मिगी उससे कहता है कि हमारे आसपास 5-5 पैरासाइट हैं। अब तभी यहाँ वही पैरासाइट मिकी आ जाता है जो कि असल में गोटो ही था। मिगी उसे देखकर सब समझ जाता है। वो शिंची से कहता है कि इस एक बॉडी में 5-5 पैरासाइट हैं, इसीलिए बहुत खतरनाक है। मिगी शिंची से कहता है कि भाग। शिंची बचकर भागता है। मिगी उस पर कई बार हमला करता है, लेकिन शिंची उससे बचकर भागते हुए अपनी चालाकी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। पैरासाइट का दिमाग शरीर से अलग होने के बाद पैरासाइट मर जाता है, इसीलिए अब उसे मरा हुआ समझकर शिंची यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी बचे हुए पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट यानी कि गोटो उसके हाथ से निकलकर सर में आ जाता है और वो मिकी को भी वापस हाथ में बुला लेता है। अब गोटो के पास चारों पैरासाइट्स का कंट्रोल हो गया था। यहीं अगले दिन तामिया को पता चल जाता है कि मेयर ने उसकी परमिशन के बगैर ही पैरासाइट्स को कुरामोरी को मारने के लिए भेजा था। तामिया मेयर से कहती है कि भूलो मत, मैंने ही तुम्हें इलेक्शन जितवाया था और अब तुम मेरे ही खिलाफ जा रहे हो। यहाँ अब कुछ पैरासाइट भी तामिया के खिलाफ हो गए थे क्योंकि तामिया के अंदर ह्यूमन इमोशंस आ गए थे और वो इंसानों की साइड ज्यादा ले रही थी। इसीलिए अब मेयर अपनी तीनों पैरासाइट्स को तामिया को मारने के लिए भेजता है। तामिया इसे सेंस कर लेती है और समझ जाती है कि वो तीनों इसे मारने आ रहे हैं, इसीलिए तामिया अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे यहीं छोड़कर उससे दूर चली जाती है। इसके बाद जब वो तीनों तामिया को मारने आते हैं तो तामिया उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देती है। लेकिन जब वो दोबारा अपने बेबी के पास आती है तो देखती है कि उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। तामिया को वहां एक नोट मिलता है जो कि कुरामोरी ने छोड़ा था और उसी ने तामिया के बच्चे को किडनैप किया होता है। तामिया को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। तामिया सातोमी के पास जाकर उससे शिंची का नंबर लेती है और शिंची को उस जगह पर आने के लिए कहती है जहाँ कुरामोरी उसके बच्चे को ले गया है। फिर तामिया कुरामोरी के पास पहुंच जाती है, पीछे से शिंची भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर कुरामोरी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उस बच्चे को ना मारे। देखते ही देखते यहाँ भीड़ जमा हो जाती है और वही दोनों पुलिस ऑफिसर जो कि पैरासाइट्स के केस पर काम कर रहे थे वो भी यहाँ आ जाते हैं। कुरामोरी तामिया का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए उसके बच्चे को फेंकने वाला था। तभी तामिया अपना असली रूप दिखाती है और कुरामोरी को मार देती है। तामिया अपने बच्चे को बचा लेती है, मगर इससे पुलिस समझ जाती है कि तामिया एक पैरासाइट है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल चुका था कि मेयर ने सिटी हॉल में कई सारे पैरासाइट को छुपा कर रखा है, इसीलिए स्पेशल फोर्स को सिटी हॉल की तरफ भेजा जाता है जहां जाकर ये सारे ऑफिसर्स एक एक करके लोगों को बाहर निकालने लगते हैं और उनकी बॉडी को स्कैन करते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कौन इंसान है और कौन पैरासाइट। वो लोग पैरासाइट को पहचान कर उसे दूसरी तरफ ले जाकर मार देते हैं। तभी पैरासाइट्स ये सब समझ जाते हैं। एक पैरासाइट एक ऑफिसर को मार देता है, ये देखकर यहाँ भगदड़ मच जाती है। यहीं इनके साथ वही सीरियल किलर उरागामी भी आया था और उसकी मदद से ये सारे ऑफिसर्स अंदर जाकर पैरासाइट्स को पहचानते हैं और एक एक करके उन सभी पैरासाइट्स को मार देते हैं। फिर ये सब मेयर के पास जाते हैं। मेयर यहाँ हर एक नेता की तरह एक भारी भरकम स्पीच देने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी जीत है। मेयर कहता है कि इंसान ही असली मॉन्स्टर हैं जो कि अपने फायदे और अपने आप को बचाने के लिए दूसरी प्रजातियों को मार रहे हैं। यहाँ मेयर की स्पीच खत्म होने पर पुलिस ऑफिसर्स उसे शूट करके मार देते हैं, लेकिन फिर ये सब देखते हैं कि मेयर तो कोई पैरासाइट था ही नहीं, बल्कि वो तो इंसान था और वो सिर्फ पैरासाइट का साथ दे रहा था। अब इन पुलिस ऑफिसर्स के चौंके हुए चेहरे देखकर उरागामी हंसने लगता है क्योंकि वो शुरू से ही जानता था कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं था बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान था। लेकिन अब तभी वो पीछे देखता है जहां वही पैरासाइट गोटो खड़ा था और उसे देखकर ये सीरियल किलर भी डरकर गिर जाता है। सारे ऑफिसर्स उस पर एक साथ गोली चलाते हैं, लेकिन वो शील्ड बनाकर उससे बच जाता है।
वही सीरियल किलर यहाँ से पतली गली से निकल लेता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। फिर गोटो यहाँ अपनी पावर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर समझ चुके थे कि तामिया एक पैरासाइट है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर्स तामिया को खतरनाक समझकर उसे शूट करवा देते हैं। तभी तामिया अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है जिससे उसे कई सारी गोलियां लग जाती हैं। सिंची सबसे रुकने के लिए कहता है लेकिन अब देर हो चुकी थी और अब तामिया यहाँ मरने लगती है। तामिया मरने से पहले अपने बच्चे को सिंची को देती है और उसे कहती है कि तुम इसे नॉर्मल इंसानों की तरह पालना। इसके बाद यहाँ तामिया की डेथ हो जाती है। तामिया को अपने बच्चे को बचाते हुए मरता देखकर सिंची को अपनी माँ याद आ जाती हैं क्योंकि पिछली बार उसकी मॉम ने पैरासाइट से उसे बचा लिया था जिसके बाद सिंची को उन्हें मारना पड़ा था। सिंची यहाँ अपनी मॉम को याद करके खूब रोने लगता है। तभी सातोमी भी सिंची के पीछे यहाँ आ जाती है। सातोमी सिंची को संभालती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि एक पैरासाइट ने सिटी हॉल के बाहर इनके कई सारे ऑफिसर्स को मार दिया है। ये जानकर ये पुलिस ऑफिसर्स तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। सिंची भी इनके साथ जाता है। तभी मिकी सिंची को बताता है कि यहाँ वही पैरासाइट है जिसकी एक बॉडी में 5-5 पैरासाइट रहते हैं। यहीं गोटो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। वो इनके बॉस की गर्दन नीचे फेंकता है और फिर नीचे कूदकर यहाँ आ जाता है। सिंची उसे देखकर यहाँ से भागता है। तभी वही पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चलाता है मगर गोटो अपने आप को बचा लेता है। फिर गोटो इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स डरकर उसके रास्ते से खुद ही हट जाते हैं। वो सिंची को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। सिंची एक कार लेकर यहाँ से भागता है। तभी गोटो एक बाइक से उसका पीछा करता है और उड़कर कार के ऊपर आ जाता है। तभी मिगी कार को नीचे गिरा देता है। मिगी सिंची को बचाकर ऊपर ले आता है लेकिन फिर ये दोनों देखते हैं कि गोटो अब भी ठीक है। सिंची जंगल की तरफ भागता है। मिगी सिंची से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा वो हमें ढूंढ लेगा, इसीलिए अब हमें अलग होकर उस पर हमला करना होगा। सिंची मिगी की बात मान लेता है। फिर वो यहाँ छुप जाता है। इसके बाद यहाँ गोटो आता है। मिगी गोटो पर हमला करता है लेकिन गोटो खुद को बचा लेता है। तभी पीछे से सिंची उस पर हमला करता है लेकिन गोटो उसे भी रोक देता है। गोटो काफी ताकतवर था और वो इन दोनों से ही फाइट करके इन्हें मारने लगता है। तभी मिगी सिंची को बचाने के लिए गोटो से अकेले ही लड़ता है और सिंची से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो सिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मिगी यहाँ गोटो के 5 पैरासाइट से अकेले ही लड़ रहा था। सिंची मिगी को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सिंची को मिगी को यहीं छोड़कर भागना पड़ता है। मिगी यहाँ गोटो के हाथों मारा जाता है लेकिन आखिर तक मिगी सिंची को बचाने के लिए गोटो को रोकता है। फिर मिगी मर जाता है। सिंची भागते हुए गोटो से बचकर एक जगह पर छुप जाता है। सिंची काफी जख्मी हो गया था इसलिए वो यहाँ सातोमी को कॉल करके बुला लेता है। सातोमी उसका ख्याल रखती है लेकिन फिर अगली सुबह सिंची देखता है कि मिगी की कुछ सेल्स अब भी सिंची के अंदर ही हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिंची जब मर रहा था तो मिगी ने उसे बचाने के लिए उसके शरीर में अपनी कुछ सेल्स छोड़ी थी और उन सेल्स की मदद से मिगी फिर से उसके हाथ में आने लगता है। ये देखकर सिंची समझ जाता है कि गोटो अब उसे फिर से ढूंढ लेगा, इसलिए सिंची सातोमी को यहीं छोड़कर गोटो के सामने जाता है। सिंची उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और भागता हुआ एक फैक्ट्री में आ जाता है जहां पर कचरे को जलाया जाता है। सिंची यहां आकर गोटो से फाइट करने लगता है। सिंची किसी तरह गोटो के अंदर एक लोहे की रोड घुसा देता है लेकिन इससे गोटो को कुछ भी नहीं होता। गोटो उसे निकालकर सिंची से कहता है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। गोटो कहता है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा क्योंकि इंसान ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये कहकर गोटो सिंची पर हमला करता है लेकिन तभी मिगी उसे रोक देता है। इसके बाद असली मिगी भी गोटो के हाथ से बाहर आता है और कहता है कि मैं उसके अंदर चला गया था और ये मेरा एक प्लान था। अब यहाँ गोटो सिंची को मारने की कोशिश करता है लेकिन मिगी उसे बचा लेता है। इसके बाद यहाँ गोटो को कुछ होने लगता है। फिर मिगी उसे बताता है कि तुमने जो रोड उसके मारी थी उस रोड पर कई सारे केमिकल्स थे जिसे अब गोटो के अंदर के सारे पैरासाइट खुद को खतरे में समझकर उसकी बॉडी से अलग हो रहे हैं। अब देखते ही देखते गोटो की बॉडी से सारे पैरासाइट अलग हो जाते हैं और सिर्फ सबसे खतरनाक पैरासाइट की बॉडी बचती है। सिंची उस बॉडी को आग में फेंक देता है जिससे सबसे खतरनाक पैरासाइट भी जलकर मारा जाता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां सब कुछ ठीक हो चुका था। लोग पैरासाइट्स को भूल रहे थे और लोग वापस से आम जिंदगी जीने लगे थे। सिंची की जिंदगी भी अब नॉर्मल हो गई थी लेकिन यहाँ मिगी उससे कहता है कि अब सारे पैरासाइट्स तो खत्म हो चुके हैं इसीलिए अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए। मिगी सिंची से कहता है कि वो हाइबरनेशन यानी कि गहरी नींद में चला जाएगा और इस तरह सिंची को उसका हाथ वापस मिल जाएगा। सिंची मिगी से कहता है कि तुम मत जाओ क्योंकि मिगी और सिंची में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी लेकिन मिगी सिंची की नहीं सुनता और उसे भी सभी इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ देने के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है जिसके बाद सिंची का हाथ वापस आ जाता है। सिंची अपने एक और करीबी दोस्त को खोकर काफी दुखी होता है और रोने लगता है।
अब कुछ समय और बीत जाता है। सिंची और सातोमी आपस में खुश रहने लगे थे। वो दोनों तामिया के बेटे से भी मिलने जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन वही सीरियल किलर सातोमी और सिंची को एक साथ देखकर सातोमी को पकड़कर एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है। सिंची उसे बचाने जाता है, तभी वो सीरियल किलर सिंची से पूछता है कि मुझे बताओ, मॉन्स्टर तो इंसानों को खाने के लिए मार रहे थे, लेकिन फिर इंसान कौन है, क्योंकि वो भी तो एक दूसरे को सालों से मारते आ रहे हैं। तभी सातोमी कहती है कि वो तुम जैसे लोग ही हैं जो कि असली मॉन्स्टर हैं और वही लोगों को मारते हैं। अब ये सुनकर उस सीरियल किलर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सातोमी को वहाँ से नीचे फेंक देता है। तभी सिंची उसे बचाने भागता है। वो उरागामी को धक्का दे देता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि वो सातोमी को नहीं बचा पाया। सिंची सातोमी को गिरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी आंखें मीच लेता है और सातोमी के साथ बिताए सारे पलों को याद करने लगता है। लेकिन तभी उसे मिगी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर सिंची जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसने सातोमी को पकड़ रखा है। सिंची तुरंत सातोमी को ऊपर खींच लेता है। सिंची को लगता है कि मिगी उसके हाथ में वापस आया और उसने सातोमी को बचा लिया। सिंची अब मिगी को याद करने लगता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये था पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।